नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आरपीएससी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर और उसकी एक बात को लेकर मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। और मेरा उपस्थित होने का कारण यही रहता है कि कई बार विद्यार्थियों के लगातार फ़ोन आते हैं तो फिर मैं उसका एक वीडियो बनाता हूँ। क्या आरपीएससी 2023 की परीक्षा अक्टूबर में होगी? और ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, इसी बात को लेकर मैं दो बातें करना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में अक्टूबर में जो कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसकी परीक्षा हो जाएगी। उसमें हम, मुझे ये लगता है कि एक दो बातें हम कर सकते हैं और तैयारी को लेकर हम पसोपेश में न रहें, इस प्रकार की अगर योजना है, आपका असमंजस दूर हो, आपका कन्फ्यूजन दूर हो, मैं यही बात करना चाहता हूँ। आप ये मान के चलें कि मुझे 30 सितंबर तक अपना पाठ्यक्रम पूरा करना है। आपको मैंने पहले एक दिन 90 दिन की योजना को लेकर बात की थी, आपने एक वीडियो पहले देखा होगा, उसमें तैयारी की रूपरेखा तो उसमें है। लेकिन मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर परीक्षा नहीं हो तो भी आप मान के चलें कि मुझे 30 सितंबर तक अपना पाठ्यक्रम तैयार करना है, उसका रिवीजन करके छोड़ देना है। परीक्षा क्यों नहीं होगी अगर इसको हम देखें, या परीक्षा क्यों होगी, ये दोनों तरीकों में, दोनों पक्षों में बात करें तो परीक्षा नहीं होने के पीछे तर्क यह दिया जाता रहा है कि उस समय चुनाव में आचार संहिता लग जाएगी। हालांकि 4 या 5 अक्टूबर के आसपास आचार संहिता लगने की संभावना है, और ये केवल संभावना है, इसमें मैं कोई अधिकृत नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि आचार संहिता से परीक्षा को लेकर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। रनिंग में जो वैकेंसी चल रही है उनको लेकर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, उसमें कोई बाधा नहीं आती है। सरकारी मशीनरी परीक्षा करवा सकती है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई बार चुनाव आयोग की अनुमति लेकर भी परीक्षा करवा ली जाती है। तो अगर आरपीएससी की मंशा है पेपर करवाने की, तो निश्चित रूप से परीक्षा आचार संहिता लागू होने के बाद भी पेपर हो सकता है। इसलिए इस बात को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, खारिज करते हैं, और फिर जैसे उन्होंने मुझे फ़ोन कर लिया कि आप बताइए सर परीक्षा होगी या नहीं होगी, एक बात में उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं ये कह दूँ होगी, मैं ये भी नहीं कह सकता। मैं कहता हूँ नहीं होगी, मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हम क्या मान के चलें? हम ये मान के चलें कि परीक्षा वास्तव में होगी, और संभावना ऐसी मान के चलें कि लगभग 15 अक्टूबर के आसपास होगी। लेकिन अगर अक्टूबर में आरपीएससी ने तिथि घोषित करी है तो हो सकता है 1 अक्टूबर को हो जाए। तो हमारे सामने वर्तमान में उपाय क्या है, ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधा और सरल एक सूत्र ये है कि आप ये मान के चलें कि 1 अक्टूबर के बाद में मेरी परीक्षा है और मुझे अपना पाठ्यक्रम लगभग 2 बार इन दिनों में करना है। सीमित पाठ्य सामग्री को अपनाते हुए, अगर कोई पहले से तैयारी कर रहा है तो पूर्व में तैयार पाठ्य सामग्री को अपनाते हुए, किसी एक पाठ्य सामग्री पर विश्वास जताते हुए आप लगातार काम करें और आप कोशिश करें कि लगभग 30 अगस्त या 20 अगस्त से पहले पहले एक बार पाठ्यक्रम पूरा हो जाए और उसके बाद में उसका रिवीजन करें। अब दूसरा सवाल एक और भी है, जो कामकाजी लोग हैं, चाहे वो पुरुष हों या महिला हों, वो कहीं नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज में ऐसे लोग भी करते हैं, तैयारी उसकी करते हैं जो पहले से स्कूल लेक्चर या वरिष्ठ अध्यापक या अध्यापक हैं या अन्य किन्हीं पदों पर हैं, तो उनके लिए फिर क्या है? कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं कि क्या स्कूल से छुट्टी ले लें? पहली बात तो असल में अगर आपका स्कूल बाधित नहीं हो रहा है, है ना, वो सब बात की बातें, वो अपना अपना एथिक्स है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको अभी अगर आपने छुट्टियाँ ले ली, कल को बाय द वे एग्ज़ाम नहीं होता है, तो फिर वो सारी छुट्टियाँ, वो सारी तैयारी गैप आने से बेकार चली जाती है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप नज़दीक ले जाएँ पहले चीज़ों को, और नज़दीक ले जाते आप 15 अगस्त 20 अगस्त तक आपको जितना टाइम मिल पाता है, 5 घंटे 7 घंटे जितना टाइम मिल पाता है उतने टाइम पढ़ते रहें। जैसे ही परीक्षा तिथि घोषित हो उस दिन से अगर आप कोई ऐसी योजना बनाते हैं लगातार घर बैठने की, 15-20 घंटे बैठने की, तो वो कामयाब हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आरपीएससी के द्वारा अधिकृत परीक्षा तिथि या शेड्यूल जारी जब तक नहीं हो जाता, तब तक आप इन चीज़ों से बचें और तब तक आप अपने कार्यस्थल में और वहाँ उससे जुड़े रहें। तो मुझे लगता है ये दो जो बेरोजगार जो विद्यार्थी है जो कुछ नहीं कर रहे, वो इंतज़ार भी नहीं करें, जो बिल्कुल इसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं और बिल्कुल इसी की बैठ के तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी चाहे वो कहीं हॉस्टल में रह रहे हों, कहीं घर से बाहर रह रहे हों, वो निश्चित रूप से मान के चलें कि परीक्षा होगी। जहाँ तक मेरी उम्मीद, मेरा मन क्या कहता है, तो मेरा मन ये कहता है कि आरपीएससी आजकल जो कहती है वो करवाती है, परीक्षाएँ इस प्रकार से जो घोषित होती है उस तिथि को परीक्षाएँ होती हैं, है ना। तो ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। आरपीएससी की मंशा हो तो बिल्कुल चुनाव के अंदर भी पेपर हो सकता है। अपने तर्कों को अपने पास रखें और आप तैयारी करें और आप ये मान के चलें कि 30 सितंबर के बाद में कभी भी मेरा पेपर हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।